गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। कल और परसों पिछले दो दिनों में उखल बंधन लीला परम पूज्य महाराज जी के जो प्रवचन हुए थे, भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया। बड़े नटखट थे, सोचे कि मेरे को काम तो करने नहीं देगा ये, इसको मैं बांध देती हूँ। तो वो जो प्रसंग है वहाँ बाद में नारद जी को, नारद जी ने ही शाप दिया था नलकूबर और मणिग्रीव को। तो शाप के समय ही उनके हृदय में ये था कि ये दोनों वृक्ष बन जाएं। बड़े पी के उन्मत्त थे और कुछ व्यवहार का भी ध्यान नहीं था। तो नंद बाबा के घर के सामने पेड़ बन गए यमलार्जुन। यमलार्जुन का उद्धार नारद जी ने संकल्प कर लिया था कि भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे तो इन दोनों का उद्धार हो जाएगा, यानी फिर वापस ये वहीं पहुंच जाएंगे। कुबेर के धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे दोनों। तो उखल बंधन लीला के अंतर्गत ही ये प्रसंग भी आया है कि भगवान उखल को घसीटते हुए दोनों पेड़ों के बीच में निकले और दोनों पेड़ जो है गिर गए। तो महापुरुष उसमें से दोनों पेड़ों में से वही नलकुबर और मणिग्रीव प्रकट हुए। उन्होंने स्तुति की और बाद में भगवान ने प्रसन्न होकर उनको विदा किया। तो महर्षि ने बताया कि हम अपनी साधना में अगर ईश्वर को अंदर भर ले अपने हृदय में तो हमको सब जगह ईश्वर ही नज़र आएगा। अब ऐसा करना तो बहुत कठिन है सामान्य लोगों के लिए, पर जिनका आध्यात्मिक जीवन है, जो इस मार्ग में लगे हुए हैं, वे कोशिश करते हैं। तो कल के पृष्ठ में बताया कि एक ऐसे महापुरुष थे जिनको सिर्फ भगवान कृष्ण ही दिखते थे सर्वत्र। यहाँ तक कि चोर भी आए तो चोरों को रात को चोरी करनी थी। साधु तो अपने रात को लुटेरिया हनुमान के चबूतरे पर अकेले बैठे थे, भजन कर रहे थे। तो चोरों को लगा कि ये साधु जो है हमको देख लेगा, पुलिस में खबर कर देगा। तो पूछा उनको कि तुम कौन हो। तो ग्वारिया बाबा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं। बोले हम लोग चोर हैं। तो ग्वारिया बाबा के हृदय में सांसारिक चोर, हम लोग जैसे कोई कहे कि हम चोर हैं तो वो बात आई नहीं उनको। तो यही कि भाई कृष्ण ही चोर थे तो माखन चोरी करते थे। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो। बोले हम भी चोर के सखा हैं। तुम चोर हो यानी तुम कृष्ण हो तो हम तुम्हारे सखा हैं। तो बोले कि चलो फिर हमारे साथ चोरी करने। तो कल के पृष्ठ में ये बताया गया कि उनको सिवाय भगवान कृष्ण के और कुछ भी नहीं दिखता था। अब आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बताने जा रहे हैं, आज का पृष्ठ उखल बंधन लीला में से नहीं है, युगल गीत यानी भागवत में से ही है। गोपियाँ भगवान गोचारण के लिए जाते हैं तो पीछे से चर्चा करती है उनकी लीलाओं को लेकर। तो उनका भी जो हृदय है वो बस लगातार निरंतर ठाकुर जी की ही लीलाओं में रमता रहता है। उनको और दूसरा कोई कार्य नहीं, घर का काम करती हैं पर
कृष्ण 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 कृष्ण। तो प्रश्न यह है कि हम लोग जो हैं, हम लोग साधना कैसे करें, क्योंकि वेदांत की बात सुनते हैं तो वो वेदांत में आता है कि सब मिथ्या है, और भक्ति में सुनते हैं तो भक्ति में आता है कि सब भगवान है। आज के पृष्ठ में महर्षि बताएंगे कि वेदांत की जो बातें हैं वो जो विरक्त वैराग्यवान सन्यासी जो अधिकारी है उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। 95% से ज़्यादा जो इस अध्यात्म जीवन में है उनको अभी पहले भक्ति करनी है। तो भक्ति के लिए कोई ऐसे महापुरुष हों जिन्होंने स्वयं ठाकुर जी के दर्शन किए हों। तो युगल गीत पर जो प्रवचन कर रहे हैं महाराज श्री, हमारे गुरुदेव, उनको भगवान के दर्शन हुए थे, स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिया था। तो ऐसे महापुरुष जब अध्यात्म शास्त्र पर बोलते हैं तो उससे हमको और ज़्यादा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। बिना श्रद्धा भक्ति के इस मार्ग में हम आगे नहीं चल सकते। पहले हमको अनुभव नहीं आवेगा, पहले हमको श्रद्धा करनी पड़ेगी कि ये बात सच है, ईश्वर दर्शन देते हैं। शुरू के पैराग्राफ में ही आज महर्षि बताएंगे कि कृष्ण के दर्शन तो बाद में हुए, पहले महर्षि को पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में अनायास बिना किसी प्रयास के ही उनका जीवन ही ऐसा था, निर्मल हृदय था। और हुआ क्या, घटना क्या घटित हुई, 24 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर पेज नंबर 298, ईश्वर दर्शन की लालसा भी कृपा करके ईश्वर ही देता है। आज की पृष्ठ का शीर्षक है कि ईश्वर दर्शन की लालसा भी सबको कहाँ होती है। पहले तो संसार में जो रचे पचे हैं है ना, तो उनको तो ईश्वर है इस पर ही विश्वास नहीं। हम लोग नास्तिक बोल देते हैं उनको, नास्तिक होते नहीं है वे, परंतु वो वैज्ञानिक दिमाग, ये जो शिक्षा है वो उनको ये अध्यात्म की बातों को स्वीकार करने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि विज्ञान छाया हुआ है उनके दिमाग पे। महर्षि अपनी एक घटना सुना रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये लालसा होना भी अगर ईश्वर कृपा करे है ना, तो लालसा होवे और उस मार्ग पे व्यक्ति चले। एक मंदिर है उसका नाम झारखंडेश्वर है। अब तो झारखंड एक प्रांत हो गया है, पर ये मंदिर जो है कहाँ है वो तो महर्षि ने नहीं वहाँ वर्णन किया है, पर मंदिर का नाम झारखंडेश्वर यानी ठाकुर जी शिव जी का मंदिर। मैं एक बार गया, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी, तो पुजारी से महर्षि ने कहा, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी, महर्षि ने संन्यास 1942 में लिया, करीब 30 साल की उम्र में, तो उसके पहले गृहस्थ आश्रम में थे तो जाते थे, और कभी बनारस चले गए, सॉरी बनारस में तो थे ही, कभी गोरखपुर चले गए है ना, अब यहाँ कोई स्थान है तो वहाँ गए हुए थे। अब जब गर्मी इतनी है तो स्वयं को ही कहना पड़ा पुजारी से, क्या कहा, भाई गर्मी तो बहुत तेज है, बाहर लू चल रहा है, बालू उड़ रही है, बैठने में तकलीफ होती है। तो मंदिर का चबूतरा जो था तो वहाँ तो स्वाभाविक है कि बहुत गर्म था। तो पुजारी ने कहा, क्या कहा, महाराज आप मंदिर के भीतर बैठ जाओ, अभी हम जाएंगे शिव जी की स्तुति करने। तो उसने कह दिया कि तुम अंदर आ जाओ। फिर मैं बैठ गया भीतर। आगे क्या घटना हुई, पुजारी किवाड़ खोलकर चला गया खाने पीने के लिए। जेठ आषाढ़ का महीना, घोर दोपहरी और लू चल रही थी। अब महर्षि अंदर जाके बैठ गए। अनुभव क्या होता है, हमको ऐसा लगा कि मंदिर में से शंकर जी निकल आए,
क्या अर्थ हुआ? यानी वो जो नर्मदेश्वर की पिंडी थी, आप देखते हैं कि शिव जी की स्थापना नर्मदा जी में जो ये मिलते हैं शिव जी, उनकी स्थापना कर देते हैं, अपने यहाँ भी स्थापना है, तो हमारे शिव जी को नाम हम लोगों ने दे दिया ओंकारेश्वर महादेव। तो जितने भी हैं वो नर्मदा से निकले हैं, इसलिए नर्मदेश्वर उनको कहते हैं। फिर अपना अपना नाम, भाव भावेश्वर अपने मुख्य आनंद वृंदावन आश्रम में जो शिव जी हैं उनका नाम भाव भावेश्वर है। तो ये जो झारखंडेश्वर थे, है ना, मंदिर का नाम ही झारखंडेश्वर था, तो वो झारखंडेश्वर उस नर्मदेश्वर में से शिव जी निकल आए। हमको ऐसा लगा कि मंदिर में से शंकर जी निकल आए। अच्छा, लगने का मतलब कि क्या वस्तु स्थिति क्या है वो हमको नहीं पता, पर आगे बताएंगे कि उन्होंने बात भी की। वर्णन कर रहे हैं शिव जी का, जटा त्रिशूल और गंगा सहित महाराज जी देख रहे हैं, और उसी नर्मदेश्वर में से, झारखंडेश्वर में से शिव जी प्रकट हो गए। जैसे प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि ये खंभे में है क्या, तो उसी खंभे में से ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने हमसे बात भी की, तो ऐसा लगा का अर्थ ये नहीं है कि भ्रांति हुई या कुछ अपने स्वप्न में जैसे व्यक्ति देख लेता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, वैसे बात भी हुई। क्या बात हुई वहाँ महर्षि ने वर्णन नहीं किया है। उन्होंने हमसे बात भी की। अब ये घटना आप क्यों सुना रहे हैं? भाई जिसको भगवान के दर्शन होते हैं वो अपने भगवान के दर्शन की बात तो सुनाता नहीं है। ये आप जो है प्रवचन में, बम्बई में युगल गीत पर प्रवचन हो रहा है, वहाँ आप ये अपने अनुभव की बात क्यों सुना रहे हैं? महर्षि कारण बता रहे हैं। यह आपको हम इसलिए बताते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष हैं उनके मन में विश्वास होवे, श्रद्धा से वे इस मार्ग पे आगे चल रहे हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन है, भजन साधन करते हैं, पर उनको विश्वास नहीं है कि ऐसा जो दर्शन का हम देखते हैं कि भाई मीरा को दर्शन दिए, नामदेव जी से बातें करते थे, आदि आदि जो बातें हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो अब जब हमारे सामने कोई महात्मा जिनको दर्शन हुआ है वो बतावेगा कि हमको भी ऐसा हुआ, तो उससे क्या होगा? हमारे मन में विश्वास होगा कि जरूर हमको भी ठाकुर जी दर्शन देंगे। ये आपको हम इसलिए बताते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष हैं उनके मन में विश्वास होवे, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। बताने का ये प्रयोजन नहीं है कि आप लोग हमारे चेले बनो, है ना, ये सब कुछ नहीं है। आपके आपको प्रभावित करना चाह रहे हैं वो भी हमारा उद्देश्य नहीं है, पर श्रद्धालु लोगों में ये मन में बात बैठनी चाहिए कि भगवान जरूर हमको दर्शन देंगे। अब ये जो शिव जी का दर्शन हुआ, फिर बाद में महर्षि ने अपने कृष्ण भगवान के दर्शन का भी वर्णन किया है, उसको भी 1 नवंबर और 1 दिसंबर के पृष्ठ में मैंने लिया है। तो अब यहाँ पर रहस्य बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो है वो जो प्रत्यक्ष है उसी को ही वो प्रमाण मानता है। जो प्रत्यक्ष है यानी जो हम सबको दिख रहा है, आप कल्पना करो कि इतने लोग हम बैठे हैं और हमको तो अर्चा विग्रह यानी गिरधर गोपाल और राधा जी का दर्शन सबको हो रहा है, पर हम में से किसी को लग रहा है कि वो गिरधर गोपाल हमसे बातें कर रहे हैं, तो वो तो सबको नहीं हो रहा है अनुभव। अब वो जिसको ये अनुभव हो रहा है कि बातें कर रहे हैं, तो ये तो एक चमत्कार हो गया ना। वो अगर बतावेगा तब भी हम कैसे विश्वास करें? तो महर्षि अगले पैराग्राफ में ये बताने जा रहे हैं कि ये जो एक हमारी
धारणा बन गई है, मान्यता बन गई है कि जो आँख से दिखे वो हमको समझो। महात्मा जी कह रहे हैं कि हमको गिरधर गोपाल ने, हम बैठे थे और इस प्रकार हमारे हृदय में कहा कि तुम ये काम कर लो और इससे है ना लोगों का कल्याण होगा। तो अब वो बात जो हमने सुनी, सबने तो नहीं सुनी, तो हो सकता है कि वो हमारा भ्रम है। परंतु पूज्य महर्षि अगले पैराग्राफ में बताने जा रहे हैं कि इसको भ्रम नहीं मानना चाहिए। स्वप्न में भी आदेश देते हैं ठाकुर जी, जागृत में भी आदेश देते हैं, कभी कभी तो अशरीरी वाणी। अशरीरी वाणी का अर्थ होता है कि जो भी वाणी हमको सुनाई देगी, ध्यान से सुनना, तो कोई व्यक्ति होना चाहिए तब ना हमको सुनाई देगी। महाराज जी कह रहे हैं कि हमको शिव जी के दर्शन हुए और शिव जी ने बात की, बात स्पष्ट है क्योंकि शिव जी प्रकट हो गए। कल्पना करो कि वहाँ कोई शिव जी वगैरह नहीं है और महाराज जी अंदर बैठे हैं और उनको कोई वाणी सुनाई दे रही है, तो उसको कहेंगे अशरीरी वाणी। साधक साधना करने वालों को ये भी अनुभव होता है, अशरीरी वाणी का भी अनुभव होता है। तो इसी प्रकार ये जो बहुत सारी बातें हम सुनते हैं उनके बारे में विश्वास होता नहीं है, तो इसलिए महर्षि ने कहा कि ये आपको हम इसलिए बताते हैं कि जो श्रद्धालु पुरुष हैं उनके मन में विश्वास हो। ठीक है, श्रद्धालु पुरुष तो विश्वास कर लेगा, पर सामान्य लोग यानी जिनकी इतनी श्रद्धा नहीं है उनको आगे बता रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि यह जो ईश्वर का खेल है सृष्टि में, इसमें जितना हम लोगों को इंद्रियों से दिखता है उतना ही नहीं है। पूरा जो सृष्टि पूरी है वो तो ईश्वर का खेल ही है, पर कोई ये सोचे कि हमको इंद्रियों से जितना दिखता है उतना ही है तो वो बात नहीं है। जितना मशीनों से इसका पता चलता है उतना ही नहीं है। अब क्या है कि विज्ञान ने ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार कर लिया कि बाल और खाल को वो एक्सरे की किरणें पार करके हड्डी का चित्र ले लेती है। कैमरा से वो चित्र नहीं आएगा, कैमरा से तो आपकी फोटो आ जाएगी, परंतु एक्सरे की किरणें जो है वो आपकी बाल और खाल को है ना पार करके और हड्डी का कि भाई कहाँ हड्डी टूटी है। तो सिर्फ इंद्रियों की बात ही नहीं है, मशीनों से क्या क्या अब वैज्ञानिक कर रहे हैं। अब तो मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है ना, पहले बिना चीरा दिए यानी अच्छी तरह से काटना पड़ता था, फिर कोई पथरी निकालो, किडनी में से पत्थर निकालो या गॉल ब्लैडर से या प्रोस्टेट का ऑपरेशन। अब वो सब कुछ नहीं, टेलीस्कोप वो जो पूरा यंत्र है, बस छोटा सा छेद किया और उसी में से वो डॉक्टर सब देख लेता है और अपना कार्य कर लेता है। तो मशीनों से तो और ज़्यादा पता लग गया है, बोले उतना ही नहीं है। यानी सृष्टि का रहस्य वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया हो ऐसी बात भी नहीं है। और अगले वाक्य में कह रहे हैं उसका रहस्य समझे बिना जो हम मान लेते हैं कि बस ये इतना ही है वह गलत है। यानी ये जो हमारी धारणा है कि इसके अतिरिक्त हम स्वीकार नहीं करेंगे वो हमारी गलती है। क्यों गलती है, सुनिए। जो सगुण ब्रह्म सविशेष ब्रह्म है, सगुण सविशेष ब्रह्म कहते हैं जब वही सच्चिदानंद तत्व अवतार लेके आता है, तो 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण के रूप में आया था। परंतु वो जो सगुण सविशेष ब्रह्म है
वो कहीं गया थोड़ी है, अवतार लेके आया, काम पूरा हो गया और वो अपना अपने को अंतर्ध्यान कर लिया। पर सगुण सविशेष ब्रह्म ऐसा थोड़ी हम कहेंगे कि भाई अब वो तो मर गया, अब वो तो समाप्त हो गया, अब तो वो वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि अविनाशी है वो। तो अविनाशी जो तत्व होता है उसमें माया शक्ति है, और वो जो माया शक्ति है उसी को महर्षि समझा रहे हैं कि जो सगुण ब्रह्म सविशेष ब्रह्म है उसका पार नहीं मिलता है। उसका पार नहीं मिलता है का मतलब परम पूज्य महर्षि कहते हैं कि उड़िया बाबा जी महाराज, उनके गुरु जी, उनका शरीर पूरा हो चुका था। उसके बाद की घटना है, महर्षि गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे और परिक्रमा में उन्होंने देखा कि सामने से उड़िया बाबा जी आ रहे हैं। उनको जमुना जी में जल समाधि दे दी गई थी, उनका शरीर पूरा हो चुका था, वही उड़िया बाबा सामने से आ रहे हैं। अब महर्षि को तो पता था, वही तो हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि जो सगुण ब्रह्म सविशेष ब्रह्म है उसका पार नहीं मिलता है। पार नहीं मिलता है यानी हम जो सोचते हैं कि इतना ही संसार है, ऐसी बात नहीं है। बाद में महर्षि बताते हैं कि एकदम हमारे सामने आ गए, हमको आलिंगन दिया और हमारे में लय हो गए यानी अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा, अगले वाक्य में बता रहे हैं महर्षि कि वेदांती लोग तो मानते ही नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। उस वाक्य को, वेदांतियों के वाक्य को भी बता रहे हैं। नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके सबका बाधित हो जाना दूसरी चीज है। दूसरी चीज है का मतलब वो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनुभव चाहिए, उनकी वो साधना है, तो उनको शास्त्र ही बताते हैं, गुरु लोग बताते हैं कि भाई अब जब तुमको इस संसार में कुछ लेना ही नहीं है, मैंने कहा 95% से ज़्यादा लोग के लिए ये जो सगुण सविशेष ब्रह्म है उसका महत्व है। क्यों? क्योंकि हमको तो अभी इस संसार से बहुत कुछ लेना है, पर एक ऐसा विरक्त महात्मा है जिसको संसार से कुछ लेना नहीं है, तो उनके लिए ये वाक्य कह रहे हैं महर्षि कि वो दूसरी चीज़ है, उसको यहाँ मत लाना। अभी जो हमारा विषय चल रहा है वो क्या विषय है? यह जो सविशेष ईश्वर है। अच्छा, सिर्फ ईश्वर ही नहीं, हमारे सामने ये जो जगत है वो क्या है? वो भी तो ईश्वर का रूप है। तो यह जो सद्धर्मक जगत है, तो उस सविशेष ईश्वर के और इस सद्धर्मक जगत के ऐसे ऐसे रहस्य हैं, इसके अंदर ऐसी तह पर तह है। तह पर तह का मतलब जैसे हम फोल्ड करते हैं कपड़ा, है ना, तो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, उसको कहते हैं तह पर तह। तो जैसे हमको आज एक बात पता चली ईश्वर के बारे में, है ना, कल कुछ दूसरी बात बताएंगे, है ना, फिर बाद में पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो और बहुत गहरी बात है। तो ऐसी तह पर तह है, इसमें ऐसे चमत्कार हैं, इसमें ऐसे जादू के खेल हैं। इसलिए महर्षि सावधान कर रहे हैं हम लोगों को, ये नहीं समझ लेना कि हमने अपनी आँख से सारी दुनिया देख ली। यहाँ आँख से मतलब है, आगे बताएंगे, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये पांच विषय हैं, तो पांच इंद्रियाँ हैं। तो कोई ये कल्पना न करे कि हमने सब कुछ जान लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे के साथ एक और जोड़ दें, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे जादू के खेल हैं, है ना,
ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद जी ठाकुर जी को भोग लगाते, दूध का प्याला रख दिया सामने, पर्दा खींच दिया, बैठे हैं। एक उनका मित्र थे, बोले कि आप ये करते क्या है? अब उनको तो कोई श्रद्धा थी नहीं, कोई ठाकुर जी दूध पीते थोड़ी है। अब उनके मुंह से निकल गया, कैसे नहीं पीते हैं? पीते हैं। अब वो वाक्य तो निकल गया, पर वो जो मित्र था बोले कि अच्छा हमको दिखाओ, पीते हैं तो। वो कहते हैं कि क्या ठाकुर जी ने लीला करी, हमने भोग लगाया और पर्दा खींच दिया जैसे हमेशा करते थे, वो भी बैठे थे हम भी बैठे थे, पर्दा हटाया और वहाँ दूध पिया हुआ था, थोड़ा सा बचा था। भक्त के हृदय से वाक्य निकल गया कि पीते हैं, ठाकुर जी ने करके दिखाया। प्रहलाद के मुंह से निकल गया कि हाँ इस खंभे में भी हैं भगवान, नरसिंह ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार ले लिया। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे जादू के खेल हैं, है ना? तो ये नहीं समझ लेना कि हमने अपनी आँख से सारी दुनिया देख ली, हमने अपनी जीभ से सारे स्वाद चाट लिए। ठाकुर जी ने तो एक ऐसी लीला करी बीच में कि जितने गणेश जी थे सब दूध पीने लगे, पूरे सब जगह जहाँ फोन करो बोले हाँ हमारे गणेश जी ने भी दूध पी लिया, हमारे भी दूध पी लिया। तो अब लोगों को समझ भी नहीं आवे कि क्या लीला हो रही है। तो कह रहे हैं कि ये नहीं समझ लेना कि हमने अपनी आँख से सारी दुनिया देख ली, हमने अपनी जीभ से सारे स्वाद चाट लिए, ऐसा नहीं समझना। हमने सारे स्पर्श का अनुभव कर लिया और हमने सारे गंध सूंघ लिए, ऐसा नहीं है। यह तो गंध में गंध है, रस में रस है, स्पर्श में स्पर्श है, रूप में रूप है, इसका अंत नहीं है, ऐसे रहस्य है। तो यहाँ महर्षि बताना चाह रहे हैं कि ये जो भौतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो तो हम सब लोग उसका अनुभव करते हैं। भक्त लोग जो अनुभव करते हैं वो तो दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसका अनुभव करते हैं। अब ये होता कैसे, उसके लिए अगला वाक्य है। सगुण सविशेष ईश्वर की उपासना है, ये साधारण नहीं है। जो गुरु बताते हैं इस प्रकार से तुम उपासना करो, वो उपासना जब वो व्यक्ति करेगा तब जाके उसको ये सब अनुभव होंगे। और होता क्या है, उसको क्यों अनुभव में आता है उपासना करने वालों को, अगले वाक्य में बता रहे हैं। यह तो सचमुच जिसको पसंद करता है, यह मतलब ठाकुर, ठाकुर तो सचमुच जिसको पसंद करता है, जिसको ये वर्ण करता है कि आओ तुम हमारी तरफ, जो उपासना करते देखता है, उसका भाव देखता है, ठाकुर के मन में एक ललक हो जाती है। हम छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, वो बच्चे को देखकर इतना अब अच्छा लगता है कि प्यार स्वतः हो जाता है। ठाकुर के मन में इस उपासना करने वाले को देखकर उनके मन में ललक हो जाए कि हाँ मैं इसका वर्ण करूँगा, मैं इसको अनुभव दूंगा। वहाँ बैठे थे महाराज श्री, पुजारी चला गया, अंदर बैठ गए, बोले अंदर बैठ जाओ, देखिए ठाकुर के मन में ललक है कि मैं इसको कुछ अनुभव दूं। वो ही बता रहे हैं कि यह तो सचमुच जिसको पसंद करता है, जिसको ये वर्ण करता है कि आओ तुम हमारी तरफ। वस्तुतः है भक्त को जब कोई अनुभव होता है तो वह ब्रह्म दृष्टि से प्रातिभाषिक होने पर भी, मिथ्या होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है। तीन सत्ता है,
एक तो स्वप्न हम सब लोग देखते हैं, उसको प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं। एक ये जिसमें हम लोग बैठे हैं ये व्यावहारिक सत्ता है, और एक जो है तत्व की बात ये लोग जो वेदांती लोग करते हैं वो है पारमार्थिक सत्ता। वो तत्व की बात हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब वो जो वेदांती लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब जो वर्णन किया जा रहा है वो सब मिथ्या है, यानी मैंने कल बताया कि मुझे स्वप्न आया था। स्वप्न से जब मैं उठा तो मेरे लिए वो स्वप्न मिथ्या हो गया। तो इस व्यावहारिक सत्ता से जो तत्व में जाग गया उसके लिए ये मिथ्या है, उसी को समझा रहे हैं। वस्तुतः भक्त को जब कोई अनुभव होता है, भक्त को पारमार्थिक सत्ता से तत्व से कोई लेना देना नहीं। ठाकुर जी ने दूध पिया, बात साफ हो गई, उसने चैलेंज दिया, वो नास्तिक व्यक्ति था आस्तिक बन गया वो घटना देख के। भक्त को जब कोई अनुभव होता है तो ठाकुर जी ने उस पर भी कृपा कर दी, नास्तिक पर भी, तो वह ब्रह्म दृष्टि से प्रातिभाषिक होने पर भी, ब्रह्म दृष्टि यानी तत्व दृष्टि से, तो ये भी जो चल रहा है मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो है ना, तो ये कौन सा ऐसी बात है कि ये हमेशा रहेगा? न तो ये बोलने वाला हमेशा रहेगा, न सुनने वाले हमेशा रहेंगे। तो नित्य वस्तु क्या है? नित्य वस्तु ब्रह्म है। तो ब्रह्म दृष्टि से भले ये भी एक स्वप्न ही है, व्यावहारिक सत्ता भी है ना, मिथ्या होने पर भी भक्त की दृष्टि से तो वो सत्य है। व्यावहारिक में तो दृष्टि में महाराज जी कहते हैं हमको शिवजी ने दर्शन दिया, बात भी करी, अभी अभी मैंने दूध की घटना सुनाई है ना, उसने अनुभव किया, उसके सामने ही दूध का प्याला खाली हो गया। तो कह रहे हैं कि हमेशा ध्यान रखना, भक्त को पारमार्थिक दृष्टि की बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्यों? वो उसका विषय नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जब चलते हैं तो ईश्वर बुलाता है, यानी ये सच्ची बात है। किसी को नूपुर बजाकर बुलाता है, किसी को उंगली से बुलाता है, मानो इशारा कर रहा है। बिहारी जी के सामने खड़े हैं और भक्त को लग रहा है कि बिहारी जी इशारा कर रहे हैं उंगली से, है ना? तो किसी को उंगली से, यहीं खड़े हैं हमारे गिरधर गोपाल, मानो कि उंगली से इशारा कर रहे हैं, अथवा किसी को नूपुर की आवाज़ आई, तो नूपुर की आवाज़ कैसे, उसको कैसे सुनाई दी? उसको बुला रहे हैं कि तुम हमारे मार्ग में चलो, ये संसार में तो दुख ही दुख है। किसी को आंख से बुलाता है, तिरछी चितवन से बुलाता है, किसी को बांसुरी बजाकर बुलाता है, बांसुरी की आवाज आ रही है। अंत में महर्षि को जो कहना है, समय भी अपना हो गया है, ईश्वर के लिए हृदय में कामना का उदय होना कि वह हमको मिले, यह भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है, सामान्य स्थिति नहीं है। महर्षि के हृदय में ये बात आई, हमारे गुरुजी के हृदय में, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी गृहस्थ थे, महात्माओं ने कहा तुम वेदांत के अधिकारी हो, हम तुमको वेदांत का उपदेश करते हैं। पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी जी ने मना कर दिया, बोले हमको इन्हीं आँखों से जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा हम वेदांत नहीं सुनेंगे। महात्माओं ने मंत्र दिया, बोले इसका अनुष्ठान करो, इतना लाख जप करो, हाँ तब जाके ईश्वर का दर्शन होगा। किया तो ईश्वर के लिए हृदय में कामना का उदय होना कि वह हमको मिले, यह भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है। मैं इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करूं
मुझे ईश्वर का दर्शन होवे यह लालसा भी कृपा करके ईश्वर ही देता है। नारायण 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 नारायण।